को लेकर एक अहम जानकारी, एक एक्सक्लूसिव जानकारी है। ये जानकारी पहले ले लेते हैं हमारे रिपोर्टर मेघना से और उसके बाद फिर इस शेयर के बारे में पता करेंगे। मेघना बताएं, गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल, कॉनकॉर्ड का स्ट्रैटेजिक सेल जो कि 2019 से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, इस साल भी होना मुश्किल लग रहा है, ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ये हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का कॉनकॉर्ड में 50% से ज़्यादा स्टेक है और CCA ने 30% से ज़्यादा स्टेक सेल का अप्रूवल दिया था, उसके साथ मैनेजमेंट राइट्स का भी ट्रांसफ़र होने का अप्रूवल मिल चुका है। हम जानते हैं कि जो इशू है, जो कॉनकॉर्ड स्ट्रैटेजिक सेल की वजह से जो अटका हुआ है, वो है लैंड लीज पॉलिसी रेलवेज़ की। रेलवेज़ ने जो लैंड लीज पॉलिसी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग जो कॉनकॉर की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे कि स्ट्रैटेजिक सेल कॉनकॉर का बहुत ही अनअट्रैक्टिव हो गया है। इसीलिए दीपम और रेलवेज़ मिनिस्ट्री में कॉन्टिन्यूस डिस्कशंस चल रहे हैं कि क्या एक सूटेबल लैंड लीज पॉलिसी हो सकती है कॉनकॉर के लिए, जिसका अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल पाया है। हमारे सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जब भी लैंड लीज पॉलिसी पर एक रजामंदी बनती है, उसके बावजूद कम से कम एक साल लगेगा इस लैंड लीज इस स्ट्रैटेजिक सेल के कंप्लीट होने के लिए। यही वजह है कि इस साल कॉनकॉर का स्ट्रैटेजिक सेल लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त जो उनका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सरकार का, वो इस साल FY23 के लिए अनलाइकली लग रहा है, ये मेघना का कहना है। पर हम पूरे स्पेस की बात करें, अब से कुछ देर पहले नीरज से डिब्बी पर इस पर सवाल भी पूछ रहे थे। इसमें इस स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, क्योंकि यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट के जो टारगेट्स रखे हैं सरकार ने, वो कई सारे स्टॉक में बज है, कई सारे स्पेसेस में बज है कि शायद इस साल में डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स पूरे हो सकते हैं। कॉनकॉर में से एक है इस पूरे स्पेस पर। इनफैक्ट रोहित, आपको क्या पसंद आता है? प्रियंका, अगर मैं पहले कॉनकॉर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पर मोटा मोटा जो स्ट्रक्चर है कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है। 700-720 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल है, उसके जब तक उसके ऊपर निकलेगा नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ से एक ट्रैक्शन बनता हुआ दिखेगा। अगर मैं पर्टिकुलर स्पेस की बात करूँ, लॉजिस्टिक स्पेस की बात करूँ, तो मुझे लग रहा है कि आपको एजिस लॉजिस्टिक के अंदर बने रहना चाहिए। एजिस लॉजिस्टिक के अंदर एक काफ़ी बढ़िया इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला था कल के सेशन में, आज एक फॉलो अप बाइंग देख रही है। तो मुझे लग रहा है कि एजिस लॉजिस्टिक यहाँ से काफ़ी अच्छा एक विकल्प हो सकता है। 228 जो रहेगा आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, और जब तक 228 ऑन क्लोजिंग बेसिस होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मूव आपको जो देखने को मिल सकता है वो 252 के रेंज में मिलेगा, और 252 जैसी क्रॉस करेगा एक काफी बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कॉनकॉर के अंदर कोई स्ट्रक्चर खास नहीं है तो उसको अवॉइड करके चलना चाहिए, बट एजिस लॉजिस्टिक पर्टिकुलर स्पेस में से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। क्लियरली एजिस लॉजिस्टिक्स स्पेस में पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव लगता हुआ 240 के लेवल्स पर अब भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर टारगेट्स 252 के यहाँ से रोहित को लग रहे हैं आते हुए दिख सकते हैं, 228 का स्टॉप लॉस 239 के लेवल्स पर ट्रेड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बार राजेश जी,